हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आप सभी को चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेबी डॉग्स को कौन सा खाना खिलाने पर ज़्यादा सही रहता है, यानी किस पर ज़्यादा खर्चा होता है, किस पर कम खर्चा होता है और चूज़े के लिए भी कौन सा खर्चा ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए शुरू करें आज का ये वीडियो। तो पहले देखिए, ये जो हमारा कुछ चूज़े है तो इन चूज़ों को हम इस टाइप के जो मछली का बक्सा होता है उस पर रखते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो बक्सा होता है इस पर टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि खाने की। तो देखिए, खाने के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो बातें हैं, पहला कि रेगुलर फीड और दूसरा जो कभी कभार हम लोग देते हैं खर्चा कम करने के लिए। तो देखिए, चूजे को जो है डे वन से लेके पूरा का पूरा ब्रूडिंग पीरियड तक, चाहे 2 हफ्ते हो या 3 हफ्ते, तो वो जो ब्रूडिंग दौरान जो 20-21 दिन का पीरियड होता है उस पर हमको क्या खाना देना सही रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये गलती भी कर बैठता है कि 2-4 पैसे बचाने के चक्कर पर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, यानी चूजे जो है वो उतना तंदुरुस्त नहीं होता, जिस वजह से चूजे आसानी से मर भी सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, यानी ख़ास करके अगर हम डे वन से लेके डे 21 तक, यानी 3 हफ्ते अगर अच्छे से देखभाल करें, अच्छा क्वालिटी का जो फीड है वो दे और अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करें, तो चूजे का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और चूजे बहुत ज़्यादा हेल्दी तंदुरुस्त हो जाता है। और बहुत सारे लोग अक्सर सुनने को मिलते हैं कि अक्सर ये कमेंट करते हैं कि मेरा जो बत्तख है वो 7 महीने का हो चुका है, अभी तक अंडे नहीं दे रहा है। तो देखिए, हमें डे वन से ही जो देखभाल है वो साइंटिफिक तरीके से करना होगा, तभी जाकर जो आपके सारे पास या 6 महीने के अंदर ही अंडे देना स्टार्ट करेगी। यानी अंदर से भी बत्तख को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्दी कैसे रहेगी कि हमें बत्तख को अच्छा क्वालिटी का फीड देना होगा, हमें हर तरह से बत्तख को मतलब देखभाल करना होगा, टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, अभी अभी अंडे से निकले चूजों के लिए, खास करके ब्रूडिंग के पूरे पीरियड के दौरान, चाहे 2 हफ्ते हो या 3 हफ्ते, तो ये जो पीरियड है इस पीरियड में मैं यही प्रीफर करूँगा कि ब्रॉयलर मुर्गियों का जो प्री स्टार्टर फीड होता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। लेकिन 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 एक बात का ध्यान हमें रखना होगा कि क्वालिटी जो हो वो अच्छे वाला हो, यानी अच्छे ब्रांडेड कंपनी का ही फीड हमें इन चूजों को खिलाना है, नहीं तो 2-4 पैसे के चक्कर में ना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप अच्छे क्वालिटी वाला, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा तो आपको पता ही होंगे, तो फीड आप आराम से खिला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इससे जो भी विटामिन कैल्शियम चाहिए ना इन फीड में मौजूद होता है अच्छे क्वालिटी वाले में, तो इससे चूजे का जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से हो जाता है, चूजे तंदुरुस्त भी हो जाता है। और दोस्तों खास बात कि जो ये जो फीड है ये थोड़ा महंगा होता है। तो ये देखिए, ये प्री स्टार्टर का जो फीड, तो ये जो फीड है ये ज़्यादा मतलब हम ज़्यादा दिनों तक ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर 2-4 दिन पहले ही लाया हूँ, अभी ये हमारे यहाँ 62 पर केजी है। तो आप ज़रा सोचिए, इतना महंगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि चूजों का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए आपके ब्रूडिंग के दौरान चूजे जो है उतना नहीं खा पाता। तो हमें क्या होता है कि एक बजट बना के उस बजट में ही हम ये फीड जो है आपके ब्रूडिंग पीरियड में आराम से चूजों को ऑफर कर सकते हैं। तो इसके बाद भी बहुत सारे लोग खिलाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से फीड खाने के बाद जो गले है वो किस तरह से फूल जाता है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि चूजे आपके डे वन से लेके डे 21 तक अब ब्रॉयलर का प्री स्टार्टर फीड रेगुलरली खिलाइए। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम खिला सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 4 टाइम खाना देते हो तो 2 टाइम प्री स्टार्टर वाला फीड दे सकते हो और बाकी 2 टाइम दूसरा जो आपका वो क्या कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंटरी फूड होता है ना, उस टाइप का भी फूड हम दे सकते हैं। तो उस पर भी मैं आगे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो वीडियो है तो इसी के बेसिस पर था कि रेगुलर फूड के तौर पर हमें ब्रूडिंग पीरियड हो या ब्रूडिंग के बाद में भी, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप ब्रॉयलर का जो प्री स्टार्टर फीड है वो खिलाइए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
खास करके चूजे जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिलता है चूजों को। और इसके अलावा इस फीड पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने पर भी बहुत अच्छा साबित होता है और तेज़ी से वज़न भी चूजों का जो है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करने से पहले यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दो पैसा ज़्यादा भी खर्चा हो लेकिन हमें अव्वल दर्जे का जो फीड है वो चूजों को खिलाना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए, ज़्यादा फायदे के लिए, क्योंकि फ्यूचर में इससे हमें ज़्यादा मुनाफा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही प्यारा प्यारा वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।